हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल शहबाज किचन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो मैं आज अपने यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आया हूँ चिकन स्टफ बन। वैसे बन जैसा आप बेकरी में खाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप 2 कप मैदा, 1 अंडा, इंस्टेंट ईस्ट 10 ग्राम मतलब पनीर, सॉल्ट 1 टीस्पून, शुगर चाहिए 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। अब इसको करेंगे प्रॉपर मिक्स ताकि ये सब एक जान हो जाए। मैदे के अंदर अंडा, चीनी, तेल, नमक ये सब एक जान हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसको आगे प्रोसेस में जाएंगे जब इसको मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे लूक वार्म मिल्क 1/2 कप। लो वार्म मतलब कम कमा, अच्छा हम आधा आधा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है। अब ये आधा जो रिमेनिंग था वो भी डल गया। अब इसको अच्छा हमने स्पून यूज करने की वजह ये है ताकि जो नए लोग होते हैं, जिस तरह पहले मैं भी जब आटा इस तरह मैदा गूंदता था मेरे भी हाथों में बहुत चिपकता था और इरिटेशन होती थी, तो फिर मैंने भी ये इसका चूल्हा का इस्तेमाल किया। लेकिन ये देखा अलहमदुल्ला अब हाथों में चिपकेगा नहीं मैदा बिल्कुल, वरना बहुत इरिटेशन होती थी मैदा गूंथते हुए क्योंकि हाथों में चिपकता रहता था, ठीक है। तो ये देखें अलहमदुल्ला मेरा 5 से 6 मिनट मैंने उसको कंटिन्यूसली गूंथा है और ये मेरा दो इस सूरत में सामने आया, ठीक है। अब हम इस पे इसको गूंथते रहेंगे, ये देखें गूंथते रहे तो ये रिजल्ट सामने आया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इसको इस तरह रोल करके ताकि एक फ्राइज हो जाए, इस तरह एक कटे नहीं समझे आप, मतलब समझे मतलब तेल इस वजह से ऊपर लगाया जाता है ताकि ऊपर वो एक ड्राइनेस में है, नीचे वजह से भी तेल लगाया जाता है ताकि जब आप इसको निकालेंगे ताकि चिपके नहीं, साइडों में भी इस वजह से लगाया जाता है ताकि आराम से निकल जाए, चिपके नहीं खाएंगे। अब आपके पास अगर कैप है तो मतलब ढक्कन है तो ढक्कन लगाएगा, वरना आप ये लगाएं क्लिंग शीट, ठीक है। एयर टाइट रखना है बस, आप कुछ भी यूज कर लो एयर टाइट हो, जब तक वो राइस हो रहा है हम जब तक इसके लिए पैटर्न बनाएंगे। जो है कुकिंग ऑयल चाहिए 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए 1 टीस्पून। अब इसको करना है मिक्स। अब इसके अंदर डालेंगे बॉइल चिकन 380 ग्राम्स, बॉइल हुई भी है, शेटर कर लिया था इसको। कोई सा भी आप चिकन का पीस यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इसको सौते करेंगे, सौते करने के बाद हम डालेंगे अनियन रफली चॉप 100 ग्राम, कैप्सिकम रफली चॉप 100 ग्राम, ठीक है। 2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर टोमेटो केचप 1 टेबल स्पून, सोया सॉस दिया। और इसको करेंगे मिक्स, इसको अच्छी तरह मिक्स करना ताकि केचप सोया सॉस ये सब चीजें आपस में मिक्स हो जाए अच्छी तरह। फिर कोई ये ना बोले चिकन के भाई मुझे नहीं लगा, भाई मुझे नहीं लगा, अच्छा तो इसके हम करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर 1 टीस्पून, और इसको करेंगे फिर मिक्स ताकि चिकन ये ना बोलेगा भाई मुझे नहीं लगा, मुझे ये नहीं मिला गया, अच्छा वो सॉस और नमक ये सब चीजें। तो अब इसके इसको तभी हम मिक्स कर रहे हैं प्रॉपर से। अब इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसको दोबारा करेंगे मिक्स 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 मिक्स। अच्छे तो ये मिक्स होने के बाद इसको हम बॉल में निकाल कर देंगे। और ये देखें जो हम लोगों ने मैदा किया था उसको हम लोगों ने एक मुक्का मारा क्योंकि इससे हमें थकाया था, हम इसको थका रहे मुक्का मार के। अच्छा इसको जैसे ही आपने निकालना है, निकालने के बाद आपने इसको दोबारा गूंदना है ताकि उसकी एयर भी सही से निकल जाए, थोड़ा सा एक प्रेस भी हो जाए, ठीक है। सो अब आपने इसको साइड में रखना है, फ्लावर भी थोड़ा सा टच करना है, आपके पास जो भी चीज़ हो उस पर टच करते हैं, उसको हथेली के थ्रू इसको प्रेस करना है, ठीक है। फिर इसके अब इसको दोबारा बॉल बना के साइड में रख के इसके बनाने हैं जैसे पेड़े होते हैं आटे के वैसे, ठीक है। अब पेड़े मैंने बना के रख दिए हैं ये देखो, ठीक है। पेड़े बनाने के बाद अब इसको
हाथों से प्रेस करना है, और चाहो तो रोलिंग पिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने हाथों से किया था, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जो चिकन स्टफ था वो मैंने इसके अंदर फिल कर दिया, और फिल करने के बाद जो मेन स्टेप है इसके अंदर ये एकदम ना इनको आपस में एकदम जोड़ते रहें। इससे क्या होता है कि आपकी चिकन बाहर नहीं निकलेगी, और कर देना फिर इसको ना थोड़ा सा लड्डू टाइप बना के, और हाँ एक मेन स्टेप जो है आपको रोल कैसे इसके बॉल को कैसे करना है, हथेली को बिल्कुल रखना है सीधा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखा हमने इसको अंदर किया, अब हथेली को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखते हैं, हल्का ऊपर से इसको हिलाते रहना बॉल, ठीक है। जब देखेंगे बन जाएगा। अब आपने इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर रख के इसको थोड़ा प्रूफ करने के लिए छोड़ देंगे, कोई भी कपड़ा रख के 10 मिनट के लिए। ये देखा अलहमदुल्ला 10 मिनट बाद मेरे थोड़े से राइज हो गए। अब इसके ऊपर डलेगा एक अंडा फिटा हुआ सबके ऊपर, इससे क्या होता है कलर अच्छा आता है, ब्राउन कलर आता है, बेकरी वाले भी यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने छिड़कना है सेसमी सीड्स, मतलब तेल, तेल को हम लोगों ने छिड़कना है। छिड़कने के बाद हमने इसको बेक करना है 180 सेल्सियस पे। ये देखें 180 सेल्सियस पे हमने इसको बेक करना है 15 से 20 मिनट के लिए। अभी आप लोगों के ऊपर अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना प्यारा बना है, बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही यमी था। अभी दफा ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। जब तक आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना देर सारा ध्यान रखिएगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।